आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भरवा बैगन की बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपी। आप देख सकते हैं कि ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद में अच्छे लगते हैं। आप इन्हें लंच बॉक्स में लेके जाएं या फिर घर पे दाल चावल के साथ खाएं, इनका स्वाद बहुत ही अमेजिंग होता है और आप चाहे तो इन्हें स्टार्टर के तौर पे भी खा सकते हैं। बनाने में बहुत आसान, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाले ये रेसिपी आपको मॉनसून में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 6-7 ये एकदम से छोटे साइज़ वाले बैगन। आप चाहें तो सिंपल लंबे वाले भी बैगन ले सकते हैं, बस आपको रेसिपी सेम फॉलो करनी है। तो सबसे पहले इस बैगन को ऐसे स्लिट लगा के आप चेक कर लें कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। जब आप बैगन सेलेक्ट करें तो ध्यान रखिए कि उसमें छेद ना हो, होल वाले बैगन अक्सर कीड़े वाले बैगन होते हैं तो आपको नहीं लेने हैं होल वाले बैगन। तो ऐसे स्लिट लगाने के बाद ऐसे पीलर की हेल्प से आप बैगन को थोड़ा सा खोखला कर लें। ऐसे बहुत ही आसानी से आप बैगन को खोखला कर सकते हैं। खोखला करके हम इनके अंदर मसालों को स्टफ़ करेंगे और उसके बाद बैगन को आगे पकाएंगे। तो देख सकते हैं आप, इसमें एक अच्छी खासी स्पेस बन गई है जिसमें कि हम अपने मसालों को स्टफ़ कर सकते हैं। तो ऐसा करते हुए मैंने सारे बैगन को ऐसे अंदर से खोखला कर लिया है। उसके बाद लिया है मैंने 2 इंच अदरक, 5 से 6 हरी मिर्ची, 2 मीडियम साइज़ के बारीक कट प्याज और साथ ही साथ करीब 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सी के जार में पीस लेना है। दोस्तों, बैगन की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो मिक्सी के जार में डालने के बाद आप इसे कोर्सली ग्राइंड करें, यानी दरदरा साइज़ का एक पेस्ट बना लें। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा महीन आप इसे ग्राइंड ना करें, आपको ऐसा कुछ दरदरा साइज़ का पेस्ट बनाना है। और इसे एक बोल में खाली कर लेते हैं और इसमें जो बड़े पार्टिकल्स हैं उन्हें आप निकाल के किनारे कर दें। उसके बाद चलिए इसमें सूखे मसालों को मिलाना शुरू करते हैं। तो 2 बड़े चम्मच इसमें डालें आप अमचूर पाउडर। उसके बाद आप इसमें डालें 2 बड़े चम्मच गरम मसाला पाउडर। और उसके बाद आप इसमें डाल दें 2 बड़े चम्मच किचन किंग मसाला। इन सारे मसालों के बाद आपको एक सीक्रेट मसाला डालना है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे आप इसमें ऐड कर दीजिए 1 बड़े चम्मच सांभर मसाला। उसके बाद नमक स्वाद अनुसार सारी चीज़ों को ऐसे मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं कि एक सेमी सॉलिड सा मसाला बनके रेडी हो गया है। बस इस मसाले को आप स्पून की हेल्प से या फिर सिंपली हाथों की हेल्प से इनके अंदर स्टफ़ कर दें, क्योंकि हमने बैगन को पहले से खोखला कर लिया है तो इनके अंदर काफ़ी स्पेस बन गई है जिससे कि हमारे मसाले अच्छी तरीके से भर जाएं। जो एक्स्ट्रा मसाले हैं उन्हें निकाल दें और ऐसा करते हुए अब बाकी के बैगन में भी स्टफिंग कर लें। ये देखिए हमारे सारे बैगन स्टफ होके रेडी हो गए हैं। उसके बाद चलिए आगे की प्रोसेस लेते हैं। हमें लेना है एक कढ़ाई। कढ़ाई में आप डाल दें 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच साबुत सौंफ और उसके बाद 1 बड़ा चम्मच आप इसमें डालें जीरा। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा स्प्लटर होने के बाद कढ़ाई में ऐसे स्प्रेड कर दें और उसके बाद जो हमने बैगन रेडी किए हैं उनको डाल दें। करीब 5 से 7 मिनट तक आप उसे ढक के पकाएं। उसके बाद ऐसे फ्लिप कर दें जिससे कि सारे साइड अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। उसके बाद हमने मिक्सी के जिस जार में मसाला पीस के रेडी किया था, बस उस जार में आप 1 कप पानी डाल के इस कढ़ाई में बैगन के ऊपर डाल दें। उसके बाद आप इसे 10 मिनट तक पकने दें। आप देखेंगे कि जो हमारे बैगन हैं वो अच्छी तरीके से मसालों के साथ कोट हो गए हैं। और उसके बाद आप इसे ऐसे खोल के पकाएं। यदि आपको लग रहा है कि बैगन काफ़ी ड्राई हो गए हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे हमें ऐड कर देना है 1 चम्मच जैगरी पाउडर, यानी कि गुड़ का पाउडर। यदि आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप सिंपली गुड़ को कद्दूकस करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच ये इमली का पेस्ट। यदि इमली का रेडीमेड पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप इमली के पल्प को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरीके से चला दें जिससे कि जो हमने अभी बाद में चीज़ें ऐड की हैं वो सारे बैगन में अच्छी तरीके से कोट हो जाएं। यकीन मानिए दोस्तों, ये चटपटा खट्टा मीठा बैगन का जो स्वाद है वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। हर बार बनने वाले बैगन के भरवे से ये बहुत ही अमेजिंग और अलग लगेगा। और यहाँ पे मसालों को अच्छी तरीके से कोट करने के लिए मैं यहाँ पे 3-4 चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ।
ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। बस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे कि हमारे जो मसाले बाद में हमने ऐड किए हैं यानी कि गुड़ और इमली का पेस्ट, वो बैगन के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। तो आप देख सकते हैं लटपटे से ये बैगन बन के हो गए हैं रेडी, लग रहे हैं ना बहुत ही अमेजिंग, और यकीन मानिए इसका स्वाद भी उतना ही अमेजिंग है। तो ये हमारे बैगन बन के हो गए रेडी, तो आप इसे सफ़र में लेके जा सकते हैं, साथ ही साथ लंच बॉक्स में भी कैरी कर सकते हैं। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करने का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी टेस्टी दिख रहे हैं, और जो बचे हुए मसालों में बड़े टुकड़े थे प्याज के, वो भी हमने इसके साथ ही फ्राई कर लिए हैं। और उसके बाद गार्निश कीजिए हरी धनिया के साथ और मेहमानों को खिलाइए और बहुत सारी तारीफें पाइए। तो गाइस, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि मेरी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नई रेसिपी के साथ, तो मेरे चैनल को पे स्टे ट्यून रहिएगा, जिससे कि आपको मेरे चैनल पे आने वाली सारी नई रेसिपीज़ का मज़ा मिल सके। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस, तो मेरे से आने वाली सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाएगी और आप रेसिपीज़ को सबसे पहले बना के तारीफ़ें बटोर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।